मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित डीपीएस स्कूल में लगातार अभिभावक प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अभिभावकों का ये कहना है कि डीपीएस की फ्रेंचाइजी खत्म हो चुकी है, मगर ऐसे में स्कूल प्रशासन हमें गुमराह कर रहा है। अब हालात ये हैं कि बच्चों की पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। उसका कारण ये है कि स्कूल में जो अनुभवी शिक्षक थे वो अब नहीं हैं। अब ऐसे में सभी अभिभावकों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन का सहारा लेने की बात कही है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित डीपीएस स्कूल के अभिभावकों ने फिर एक बार स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी भी जाहिर की। स्कूल पर पहुंचे सभी अभिभावकों का ये कहना था कि लगातार बच्चे स्कूल की लापरवाही की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। डीपीएस की फ्रेंचाइजी है या नहीं, इस पर कोई भी सफाई देने का काम नहीं करता। साथ ही अनुभवी शिक्षक जो विद्यालय में थे वे भी अब नहीं है, जिनकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमारी मांग है कि स्कूल बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखे, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो। डीपीएस स्कूल पर पहुंचे अभिभावकों ने नारेबाजी करते हुए स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और कहा कि स्कूल प्रशासन लगातार अभिभावकों को गुमराह कर रहा है। सिटी चैनल से बात करते हुए अभिभावकों ने बताया, डीपीएस की परेशानी को लेकर तो हम लगातार आ ही रहे हैं काफी, आपके आपसे भी सभी को पता है, चैनल वगैरह के हिसाब से भी। लेकिन फिलहाल जो आ रहे हैं कि हम प्रशासन के पास भी गए थे, सब जगह गए थे कि बच्चों की फीस के मैटर को लेकर आ रहे हैं कि अभी तक डीपीएस के पास ना तो इनके पास की फ्रेंचाइजी का कुछ है और ना इनके पास डीपीएस जैसी कुछ सुविधा है। इस समय एक ऑर्डनरी स्कूल की ये चार्जेस आज भी डीपीएस वाले चार्जेस लगा रहे हैं, जो अदर स्कूल ट्रांसपोर्ट की फीस लाइन पार हुआ, जैसे कुछ वानपुर के स्कूल जो लाइन पार के चार्ज ले रहे हैं वो यहाँ से लाइन पार के चार्जेस ले रहे हैं या पास के चार्ज में, दो गुना तीन गुना फीस ट्रांसपोर्ट की बढ़ा रखी है। हम उसी मैटर को लेकर आज यहाँ पर आए हैं कि आप फीस जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो फीस आप नॉर्मल कीजिए। जब आपका नॉर्मल स्कूल है तो फीस भी नॉर्मल होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फीस नॉर्मल कीजिए जिससे बच्चों को आराम से हम यहाँ भेज सकें। तो आज कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं? आज इसी मैटर को लेकर हमने मैडम को एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि फीस के ऊपर विचार करें जी, वरना फिर पेरेंट्स फीस नहीं दे पाएंगे। प्रशासन हमें साथ नहीं दे रहा, डीएम साहब से ही मिले हैं, डीएम साहब वगैरह ने कुछ खास हमारे के लिए करके दिया है जितना, क्योंकि मैनेजमेंट उनकी सुन नहीं रहा शायद प्रशासन की, प्रशासन से ऊपर। मेरा बच्चा 8th क्लास में पढ़ता है, बच्चे की परेशानी ये है कि यहाँ पे मैंने बच्चे का वर्क देखा, उसकी पढ़ाई देखी तो बच्चा पढ़ने में बिल्कुल बेकार है, उसकी कॉपी बिल्कुल चेक नहीं हुई है एक भी। पहले भी मैडम को हमने इन्फॉर्म किया था, एक टीचर क्लास टीचर को मैंने हमने इन्फॉर्म किया था कि भैया हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, बच्चे का वर्क कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने कहा हम करा देंगे। उसको जब से सेशन शुरू हुआ है तब से बच्चे का कोई भी वर्क चेक ही नहीं हुआ है, टीचर देखती ही नहीं है। पहले तो जब डीपीएस ये था तो पहले टीचर थी यहाँ पर, तो डीपीएस की जब मेन टीचर भी यहाँ छोड़ छोड़ कर चली गई, अब इन्होंने 10,000 रुपये के बहुत कम पैसों की टीचर है यहाँ पर रखी हुई हैं, तो वो बिल्कुल बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं और फीस डीपीएस की वसूल रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि आपके पेनल्टी डाल देंगे, ये डाल देंगे, नहीं तो अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लीजिए। मिड टर्म में हम बच्चों को अपने कहाँ लेके जाएँ, कौन बच्चा स्कूल हमारे बच्चों को एडमिशन देगा। ये सारी परेशानियों को लेते हुए हम यहाँ पर आए हैं, हम इनको आगाह किया प्रिंसिपल साहब को। आगे आप जो क्या चाहते हैं? आगे ये है कि टीचर सही से पढ़ाएं, हमारी फीस कम हो, डीपीएस रहा नहीं है तो उसी के जुम्मे नॉर्मली जो स्कूल हैं जो शहर में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्कूल खुले हुए हैं उनकी भी इनसे आधी से भी बहुत ज़्यादा कम फीस है, तो हम चाहते हैं भैया फीस कम करें और हमारे बच्चों को पढ़ाएं, ये सीज़न तो पूरा कराएं।